मध्य युग में भारत का शक्ति प्रतीक आज इतिहास के पन्नों में खोया यह है कालंजर, एक अदृश्य स्वर्णिम इतिहास। भारत के मंदिरों के दर्शन कीजिए, जानिए पूजन विधि, समझिए मंत्रों की ताकत को, देखिए हमारे साथ धर्म भूमि। चार सौ साल विदेशी आक्रांताओं के प्रहार को झेलने वाला, भगवान शंकर के नीलकंठेश्वर स्वरूप को धारण करने वाला प्राचीनतम देवस्थान, वायु पुराण, गरुण पुराण जिसके साक्षी हैं, खजुराहो के मंदिरों में लगी प्रतिमाएं जहां निर्मित की गईं, जहां शेर शाह सूरी मारा गया, चंदेलों को जहां विपत्ति काल में आश्रय मिला, दक्षिण का विजय द्वार जहां आज भी अर्धनिर्मित व टूटी फूटी लाखों मूर्तियों के अवशेष पड़े हैं, जिसकी स्वयं नीलकंठ स्वरूप शंकर सदैव रक्षा करते हैं, जिसकी 7.5 किलोमीटर की परिधि में फैली दीवारों में असंख्य तोप के गोलों की चोटें मौजूद हैं। मध्ययुग में भारत का शक्ति प्रतीक आज इतिहास के पन्नों में खोया यह है कालंजर, एक अदृश्य स्वर्णिम इतिहास। कालम जयति इति कालंजर, अर्थात जिसने काल अर्थात विश्व पर विजय प्राप्त कर ली वही कालंजर है। कालंजर का दुर्ग जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। शौर्य, पराक्रम और आस्था का प्रतीक यह कालंजर दुर्ग उत्तर प्रदेश के बांदा शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर खजुराहो और पन्ना के आसपास स्थित है। आइए मैं आपको कालंजर के उस प्रेरणा स्रोत इतिहास को बताता हूँ जिसने चंदेल शासकों को इतना विशाल और अभेद्य दुर्ग बनाने के लिए प्रेरित किया। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में कहावतें हैं, कथाएं हैं कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से जब विष निकला था और उसको ग्रहण किया था तो उनके गले में बहुत अग्नि प्रज्वलित हुई, बहुत जलन हुई और वो तांडव नृत्य करने के लिए व्यग्र हो गए। ब्रह्मा सृष्टि सर्जक ने जब देखा शिव के इस रूप को तो वो स्वयं यहाँ पर अवतरित हुए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, शंकर तुम शांत हो जाओ, सृष्टि को काल को चुनौती मत दो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात मान ली और तब से वो यहीं पर स्थापित हो गए। आज भी भगवान शंकर के गले से एक तरल धारा निकलती है, एक जल स्रोत निकलता है, क्योंकि ब्रह्मा ने शंकर से कहा था कि शंकर तुम्हारे गले की अग्नि को मैं शांत करने के लिए एक जल स्रोत दे रहा हूं। यहीं पर भगवान शंकर स्थापित हुए और भगवान शंकर का नीलकंठेश्वर रूप यहीं से प्रारंभ हुआ। नीलकंठ मंदिर, भगवान शंकर का यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है विशेषकर चंदेलों के लिए। जब कभी उन पर विपत्ति आई, चाहे कालिंजर पर आक्रमण हुआ हो, चाहे महोबा में उनकी राजनीतिक राजधानी थी वहां पर आक्रमण हुआ हो, जब वहां से वो डरे हारे विदेशी आक्रांताओं से तो यही कालिंजर दुर्ग पर आकर उन्होंने शरण ली पूरी सेना के साथ, पूरी प्रजा के साथ और अपने को बचाया। शेरशाह, हुमायूं, इब्राहिम लोदी तक यहाँ आकर इस दुर्ग को जीतने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं जीत पाए। शेर शाह सूरी यही मारा गया। इब्राहिम लोदी भी जब किले को जीत नहीं पाया तो उसने किले के चारों ओर बने बंधे को अपनी तोपों से तोड़ दिया। यही वे बांध थे
जो कालंजर की तलहटी में पानी की दीवार के रूप में कालंजर दुर्ग की रक्षा करते थे। धार्मिक मान्यता है और पुराणों में और साहित्यों के अध्ययन से ये पता चला है कि पांडवों को जब वनवास हुआ था तो वो भी यहाँ पर आए थे। यही नहीं, भगवान राम जब अपने भाई और माँ सीता के साथ जंगल में आए थे, चित्रकूट आए थे, तो वो भी यहाँ पर आए थे। उनके साक्ष के रूप में यहाँ पे विभिन्न मूर्तियाँ हैं। ये रहा कालिंजर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी। मैं अब आपको ले चलता हूँ कालिंजर के उस इतिहास की ओर जिसके लिए कालिंजर फेमस है, जिसके लिए कालिंजर विख्यात है। कालिंजर का यह दुर्ग अभेद्य दुर्ग था, अविजित था, अजेय था। इसे दक्षिण का द्वार कहा जाता था। कोई भी राजा यदि भारत पे विजय करने के लिए आता था, कोई विदेशी आक्रांत आता था, तो सबसे पहले उसको कालिंजर पे आना पड़ता था। यहाँ को जीतने के पश्चात ही वो दक्षिण की ओर जा सकता था। शौर्य का प्रतीक कालिंजर हमेशा विदेशी आक्रांताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसीलिए शेरशाह सूरी यहाँ स्वयं आया, यहीं पर रुका। उसने कालिंजर को जीतने की कोशिश की। कालिंजर के चारों ओर लगभग 7.5 किलोमीटर परिधि में कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किए गए, तो गोले बरसाए गए। और आज ही जब बरसात होती है तो दीवारों से, कालिंजर दुर्ग से गोले बहकर मिट्टी के साथ नीचे गिरते हैं। बहुत आक्रमण हुए, कितने आक्रमण हुए, लेकिन कालिंजर हमेशा अभेद्य रहा, अविजित रहा। यशोवर्मन ने कालिंजर से ही मूर्तियों को ले जाकर खजुराहो में स्थापित किया, इसलिए खजुराहो को उन्होंने सांस्कृतिक एक अपना केंद्र बनाया। और चंदेलों का हमेशा राजनीतिक केंद्र महोबा रहा, राजधानी महोबा रही। जब भी महोबा पर आक्रमण हुआ, महोबा पर कोई विपत्ति आई, चंदेल भागकर यहीं पर आए। कालिंजर दुर्ग में उन्होंने अपनों को बचाया और यहाँ पर रहे। हुमायूं जैसा व्यक्ति भी यहाँ पर आया और पहले दुर्ग में वो वहाँ रोक दिया गया। उसको मजबूरन वहाँ पे अपना एक शिलापट लगाकर यहाँ से वापस लौटना पड़ा। औरंगजेब भी यहाँ पर आया, उसने भी जीतने की कोशिश करी लेकिन वो हारा। ये शक्ति का केंद्र कालिंजर दुर्ग भारत के इतिहास में अजेय दुर्ग के रूप में जाना जाता है। जितने भी चंदेल शासक यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के साथ भारत की अगर रक्षा करने की कोशिश करी या सफल हुए तो ये कालिंजर दुर्ग ही उनके पास था और कालिंजर दुर्ग ने ही उनकी रक्षा की। कालिंजर दुर्ग विभीषिका की उस कहानी को कहता है जब देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को ढहाया गया। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की पत्थर की मूर्तियों के ऊपर छेनियों से प्रहार किया गया, तोप से हमारी संस्कृति को उजाड़ा गया। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है क्योंकि वो मन से जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी है, किसी रूप से नहीं। शौर्य का प्रतीक कालिंजर साक्षी है कि जब जब भारत पर विपत्ति आई, विदेशी आक्रमण हुए, भारतीय संस्कृति को, भारत को तोड़ने की कोशिश की गई, तो पूरा भारत एक हो गया। आला उदल नाम के दो ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने उस समय भारतीय संस्कृति को तोड़ने के प्रयासों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आला उदल जिन्होंने आला गा गा कर सेना में शक्ति भरी कि विदेशी आक्रांताओं से लड़ें, उन पर आक्रमण करें, वो आला उदल इसी कालिंजर गांव के पास कुहारी गांव में पैदा हुए थे। उन्हीं आला उदल के नाम से जाने वाले आला आज भी इस कालिंजर दुर्ग के आसपास अपनी आवाजों को सुना रहे हैं। लोग सुनते हैं और याद करते हैं प्राचीन कालिंजर के वैभव को, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को, और किस प्रकार से कालिंजर ने अपने को बचाया, किस प्रकार से भगवान नीलकंठेश्वर ने कालिंजर को बचाया, किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति को बचाया, उसको याद करते हैं। कालिंजर दुर्ग के उत्थान में प्रयत्नशील रहे और कालिंजर गांव के रहने वाले श्याम बिहारी वैद्य जी के सुपुत्र श्री अरविंद छिरौलिया कालिंजर के इतिहास को कुछ इस तरह बताते हैं। ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक तीर्थ दुर्ग कालिंजर अति प्राचीन है, चारों युगों में इसकी विद्यमानता है। और इसका जो इतिहास है यह है कि 800 राजाओं की क्रीड़ास्थली है, 800 राजाओं ने इसमें राज्य किया है। इसमें सुंग, कुंड, कांड, मौर, बाग, अटक, चंदेला, बुंदेला, गुप्त साम्राज्य रहा। इसके बाद इसका जो विकास हुआ कालिंजर का, या किलेबंदी हुई, ज़्यादा से अधिक विकास इसकी किलेबंदी की हुई।
तो चूंकि ये सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण था और समुद्र सतह से 1230 फीट ऊंचाई है और 7.5 किलोमीटर के रेडियस में ये पूरा परिज में बसा हुआ है, तो सामरिक दृष्टिकोण देखते हुए चंदेलों ने इसको सुरक्षा की दृष्टिकोण से राजधानी अपना बनाया था। और यहाँ परमर देव थे चंदेलों के राजा, 9वीं शताब्दी में परमाल जिन्हें कहते थे, उन्होंने इस किले की कंगूरबंदी कराई थी और इसमें तालाबों और मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके बाद समय जाते यशोवर्मन चंदेल और भी तमाम चंदेल वंश रहा, तो इस किले की सुरक्षा की दृष्टिकोण से चंदेलों ने के पूर्व राजाओं ने इसमें पूरे किले के चारों ओर एक शहर कोट बनाई थी। शहर कोट के बाहर उन्होंने एक बांध का निर्माण किया था जो जिसे सागर बांध कहते थे। ये बांध पूरे कालिंजर से लेकर के लहत पहाड़ी तक फैला था जिसमें पूरे में पानी भरा रहता था, नावें चलती थी, दलदल था, क्योंकि ये सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण था। इसमें दुश्मन या आक्रांता सीधे ना आ सके इसलिए पानी और दलदल की व्यवस्था की गई थी। इस पानी की व्यवस्था के लिए इस किले के दक्षिण साइड में जो सुखना नाला है उसको रोक करके उसका पानी इसमें वापस आता था और कालिंजर से 2 किलोमीटर दूर बागे नदी को भी रोका गया था, उसका पानी भी यहाँ आता था। इस तरह से ये सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण दुर्ग था। रही बात ये कि इसके और आगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसकी कई गढ़ियाँ थीं, सुरक्षा चौकियाँ जिन्हें कहते हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मड़पा चौकी, 35 किलोमीटर दूर सिंहड़ा गिरवा जहाँ खत्री पहाड़ स्थित है, और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर अजयगढ़। इस तरह से सुरक्षा चौकियाँ थीं। इसके अलावा उस समय ये था कि थल मार्ग और नव मार्ग नहीं थे, ज़्यादातर दुश्मन या क्रांता जलमार्ग से आते थे, तो इस कालिंजर दुर्ग की सुरक्षा के लिए यहाँ से 35 किलोमीटर दूर केन नदी पर जल दुर्ग बनाया था और जल दुर्ग में दुश्मन को रोक दिया जाता था। ये सब देखने से प्रतीत होता है कालिंजर दुर्ग अति महत्वपूर्ण दुर्ग था, सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा मजबूत और सशक्त था। ऊपर पानी की व्यवस्था के लिए नीचे से ढेंकुली के द्वारा पानी बनाया चढ़ाया जाता था और यहाँ सागर बांध से वो हौज उसके बने हुए हैं जिससे ढेकले से पानी चढ़ाया जाता था। इस तरह से रसद पानी की पूरी व्यवस्था थी और कालिंजर दुर्ग आज सुरक्षित था, दुश्मन किसी तरह से अटैक नहीं कर सकता था। शेरशाह सूरी जब यहाँ 22 मई 1745 को मारा गया, उसके पूर्व जब यहाँ आया तो सबसे पहले उसने कालिंजर सागर बांध को तोड़ा और वहाँ से पानी निकाला। वो आज भी नाला विद्यमान है जिसे बादशाही नाला कहते हैं और राजस्व के रिकॉर्ड में वो दर्ज है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर इसीलिए शेरशाह सूरी ने छावनी डाली थी कि चूंकि वहाँ पर पानी भरा था और दलदा था, यहाँ नहीं आ सकता था। और जब वो मारा गया तो यहाँ नहाने उसके नहलाने के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए उथली पहाड़ी पर जो लहत पहाड़ी उसमें उसकी लाश नहलाई गई और सहसराम जिला आरा ले गई। इसके बाद इस राज्य को बुंदेलों के हाथ में ले लिया गया, बुंदेलों ने इस पर कब्जा कर लिया और बुंदेलों के छत्रसाल के वंशज हृदय साय के कब्जे में ये किला था और हृदय साय ने इसको रामचंद्र रीवा नरेश को सौंप दिया और रामचंद्र रीवा नरेश ने इस किले को मानधाता चौबे को यहाँ का किलेदार नियुक्त किया, शासक नियुक्त किया। और वो इसके बाद सन 1812 में जब भारत अंग्रेज आए और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, इसके बाद कालिंजर की ये दुर्गति, ये दुर्दशा आज तक इसका जो बिखराव हुआ, जो आक्रांताओं ने इसको तोड़ फोड़ की, आज तक इसकी बारे में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, आज भी ये उपेक्षित है। कालिंजर दुर्ग के आसपास लगभग 5-6 किलोमीटर तक अब भी ऐसे अवशेष हैं जिनको देखने से यह सिद्ध होता है कि कालिंजर दुर्ग को संरक्षित करने के लिए उस समय चंदेलों ने और बुंदेलों ने बहुत कोशिशें की थीं। ये वो स्थान है जो आज भी गजट में शेरशाह सूरी की छावनी के नाम से दर्ज है। कालिंजर दुर्ग से लगभग 4 किलोमीटर दूर यह स्थित है। ये माना जाता है कि शेरशाह सूरी यहाँ पर बैठकर अपनी व्यू रचना करता था, किस प्रकार से दुर्ग को जीता जाए उसका प्लान किया करता था। अंग्रेजों ने जो कुछ स्टडी किया, जो कुछ पढ़ा, उसको गजट में लिखा। जिस प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया या लिखा कि वो कालिंजरी पर्वत जहाँ पर उन्होंने अपने तोपखाना चढ़ाकर कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया था तोपों से और मानधाता चौबे को विवश किया था कि कालिंजर दुर्ग वो 1812 में अंग्रेजों को दे दे, उसका नाम भी उन्होंने गजट में कालिंजरी नाम से रखा था। उसी प्रकार से
इस स्थान का नाम भी गजट में अंग्रेजों ने शेरशाह सूरी की छावनी के नाम से रखा है। कालिंजर की तलहटी में स्थापित सुरसरी गंगा नाम से विख्यात यह वह कुंड है जहाँ पे कालिंजर के लोग, दुर्ग के लोग आकर स्नान किया करते थे, देवी देवताओं की मूर्तियों की अर्चना किया करते थे और यहाँ से शक्ति लेकर जाया करते थे। तालाब के किनारे किनारे जो भी पाषाण लगे हैं, पत्थर लगे हैं, सारे के सारे मंदिरों के मूर्तियों के अवशेष हैं। मूर्तियों को ध्यान से देखिए, भगवान विष्णु की यह मूर्ति पाषाण, कितनी विशाल मूर्ति। एक ऐसी मूर्ति दूसरी ओर है, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ शेषनाग की मूर्ति भी लगी हुई है। शेषनाग साथ में है, विशाल पत्थर में तराश के बनाए गए हैं, लेकिन वही मूर्ति यहाँ पर देखिए, उसके गर्दन को तोड़ दिया गया है। ये विध्वंस तानाशाहियों द्वारा इस देश में किया गया, इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए किया गया है। ये मूर्ति कहीं से लाकर यहाँ पे स्थापित की गई है। निश्चित रूप से जब आक्रांताओं ने कालिंजर दुर्ग को तोड़ना चाहा और कालिंजर दुर्ग के आसपास किनारे बसे भगवान शिव के, नीलकंठ के अनेकों मंदिर को, अनेकों शिवलिंग को तोड़ना चाहा, तोड़ के उनको गिराया, तो आस्था से भरे लोगों ने, श्रद्धालुओं ने उन मूर्तियों को किस प्रकार से बचाया होगा और किस प्रकार से इस तालाब में, शुभ तालाब में लाकर स्थापित किया होगा, हमको इसकी चिंतन, हमको सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों में कितनी आस्था धर्म के प्रति थी, संस्कृति के प्रति थी, और आज उनके इन कार्यों को देखकर, उनके इस विश्वासपूर्ण कार्यों को देखकर, उनके संस्कृति को बचाने के लिए इन प्रयासों को देखकर, हमको क्या सचेत नहीं होना चाहिए कि हम भी भारतीय संस्कृति को, भारतीय धरोहरों को, भारतीय परंपराओं को, जो पूरे वसुधैव को कुटुंब मानती है, उन परिवार को, उन परंपराओं को जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देती है, क्या उस संस्कृति को हमें बचा के रखना नहीं चाहिए? ये प्रश्न मेरा आपसे है और यही प्रश्न कालिंजर का, इस दुर्ग का, इन मूर्तियों का और इस प्रकार से पवित्र तालाबों का है। कालिंजर पूछता है, क्या तुम मुझे और मेरी धरोहर को बचा के रख सकोगे? विश्व की अनेक धरोहरें ऐसी हैं जो आज उपेक्षित हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित ऐसी धरोहरें जिनसे हमको शक्ति, प्रेरणा मिलती है, हमारी आत्म चेतना जागृत होती है, भारत के प्रति हमारी आस्था जागृत होती है, अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, वो सारी धरोहरें आज पूछ रही हैं विश्व से, हमसे, क्या तुम मुझे और मेरी धरोहर को बचा के रख सकोगे? इस अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर कौन देगा?